कभी साइकिल से, कभी विमान की सीढ़ियों पर, अब मंच पर गिरे बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कद इतना बड़ा है कि वो जहां जाते हैं सुर्खियां बनती हैं, जो करते हैं खबरें बनती हैं। जो बाइडेन कल अमेरिका के कोलोराडो में जोरदार तरीके से जमीन पर गिरे और उनके इसी गिरने ने अब एक नई डिबेट की शुरुआत कर दी है। बाइडेन के गिरने ने क्यों विवाद छेड़ा है बताएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले उनके गिरने की पूरी कहानी देख लीजिए। बाइडेन कल यूएस एयरफोर्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां बाइडेन पूरे जोश के लिए नए ऑफिसर्स का अभिनंदन कर रहे थे। बाइडेन सर्टिफिकेट देने के बाद जैसे ही वापस अपनी सीट पर लौट रहे थे, तभी वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। वीडियो एक बार फिर देखिए। बाइडेन स्टेज पर मौजूद हैं, वो एक कैडेट को सर्टिफिकेट देते हैं, पीछे तालियां बजती हैं। तभी बाइडेन वापस लौटने लगते हैं और एकदम लड़खड़ाकर नीचे गिर जाते हैं। तुरंत स्टेज पर मौजूद एयरफोर्स का अधिकारी और सीक्रेट सर्विस बाइडेन को उठाने के लिए आगे आते हैं। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के जवान का हाथ पकड़कर वापस उठते हैं और उठने के बाद स्टेज पर कुछ पड़े होने का इशारा करते हैं और वापस अपनी सीट पर लौट जाते हैं। इस पूरे वाक्य का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाइडेन की सेहत को लेकर तब व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि वो ठीक है और स्टेज पर पड़े एक रेत के बैग से बाइडेन टकरा गए थे, जिसकी वजह से ही वो गिरे। इसके बाद गिरने की बात का एक वीडियो सामने आया, जिसमें रिपोर्टर्स बाइडेन से उनकी सेहत के बारे में सवाल पूछते हैं और बाइडेन फिट होने के बारे में कहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बाइडेन की इस तरह गिरने की तस्वीरें सामने आई हो। अभी फरवरी के महीने में पोलैंड के दौरे से लौटते वक्त बाइडेन एयरफोर्स वन की सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिर गए थे। उसके पहले जून में साइकिल से भी वो गिर चुके हैं। बाइडेन के विरोधी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर तंज कसा, जब बाइडेन ने ट्रंप के गिरने पर टिप्पणी की थी। He's at the Air Force Academy. He actually fell down. Well, I hope he wasn't hurt. I hope he wasn't hurt. But it's the whole thing is, look, the whole thing is crazy. You got to be careful about that. You got to be careful about that because you don't want that. Even if you have to tiptoe down a ramp, you got to tiptoe. बाइडेन की बार बार गिरने की वजह से अब उनकी उम्र और सेहत को लेकर नई डिबेट शुरू हो गई है और अब ये बाइडेन के खिलाफ चुनावी मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। बाइडेन 80 साल के हैं और अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में अगले राष्ट्रपति की रेस में शामिल होने के रास्ते में बाइडेन की उम्र एक बाधा बनती नजर आ रही है। अगर बाइडेन 2024 में भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो उनका कार्यकाल पूरा होने तक उनकी उम्र 86 साल हो जाएगी और यही मुद्दा अब उनके विरोधी इस वीडियो के बाद उठाने लगे हैं। अमेरिका में लगातार इस बात पर बहस की जा रही है कि क्या बाइडेन राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए फिट हैं, तो वहीं बाइडेन समर्थक विरोधियों पर उनके गिरने का मजाक उड़ाने के लिए लगातार आलोचना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।